हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी एनी वे ऑफ लर्निंग दे करेंट अफेयर्स 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, हमने उसके अंतर्गत लास्ट 6 मंथ के जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक जितने भी आपके महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इन वीडियोज को हमने अराउंड 190 वीडियोज हमने हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अपलोड कर दी है। यदि आपने वीडियोज नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और करंट अफेयर्स 2022 प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर सारी वीडियोज देख सकते हैं। इन वीडियोज को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किया। आज हम क्लास 199 डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे अवनी लेखराज, जिनको जिनको की वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट रैंकिंग में दुनिया की नंबर वन शूटर बन गई है। इस करंट इवेंट न्यूज को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। साथ में ही वीडियो में पिछली वीडियो में क्लास 190 में जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया था उसका सोल्यूशन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम करेंट इवेंट न्यूज पे आएंगे और अवनी लेखराज जी के बारे में यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि जब भी नई वीडियो लेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, क्लास 190 में हमने आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था जिसका आपको आंसर देना था कमेंट सेक्शन में कि जून 2022 में इन जून 2022 वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SAM वो सक्सेसफुली टेस्टेड। तो VLSR-SAM मिसाइल का सफलता पूर्वक लॉन्च किस जगह से किया गया था? तो चेन्नई, श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, पोखरण। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हैगा। VLSR-SAM का जो सफलता पूर्वक लॉन्च किया गया था ये आपका चांदीपुर उड़ीसा से किया गया था। भाई हम इसके बात कर ले वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की, तो इसको जो डेवलप किया वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया। यह इंडिया की शॉर्ट रेंज मिसाइल है और इसको जो इंडियन नेवी और DRDO ने मिलकर इसको लॉन्च किया था चांदीपुर उड़ीसा से। इसको जो लॉन्च किया गया था वो इंडियन नेवी के नेवल शिप से इसको लॉन्च किया गया था। अब आते हैं हम, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम आते हैं हम अपनी करंट इवेंट न्यूज पे और चलते हैं। देखिए, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट रैंकिंग जारी की गई है जून 2022 में, उसमें जो इंडिया की अवनी लेखराज जो है यहाँ पे दुनिया की फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल की है, नंबर वन शूटर बन गई हैं तो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट रैंकिंग में। तो अवनी लेखरा की बात की जाए तो इंडियन पैरा ओलंपिक अवनी लेखरा हैज क्लाइम टू द टॉप ऑफ स्टैंडिंग इन टू डिफरेंट इवेंट। इन्होंने जो रैंकिंग हासिल की है वो आपकी दो श्रेणियों में इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है। एक श्रेणी जो है वो आपकी R2 वुमेन्स 10 मीटर रियर राइफल SH1 में शूटिंग इवेंट्स में, R2 वुमेन्स 10 मीटर राइफल में और R8 वुमेन्स 50 मीटर राइफल, इन दोनों कैटेगरीज में जो है इन्होंने वर्ल्ड की नंबर वन इस पैरा एथलीट हैं ये। तो यहाँ पे दो श्रेणियों में जो है वो आपको अवनी लेखराज ने यहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग पहले स्थान पर पहुंच गई है। अब हम अवनी लेखराज के बारे में और पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इनकी जो उम्र है अराउंड 20 ईयर्स इनकी उम्र है और इन्होंने जो है वो आपका 20 ईयर्स में इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में टोक्यो जो पैरा ओलंपिक होता है उसमें जो हुआ था उसमें 2 पदक जीते थे और ऐसा करने वाली ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने की पैरा ओलंपिक ओलंपिक के बाद जो पैरा एथलीट्स होते हैं उनके लिए जो ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं टोक्यो में किए जाते हैं उनको पैरा ओलंपिक बोलते हैं। इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो पैरा एथलीट्स करते हैं, जो भी हमारे दिव्यांग होते हैं या इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसके अंतर्गत पैरा एथलीट्स पैरा ओलंपिक में जो है यहाँ पे अवनी लेखराज ने यहाँ पे दो मेडल जीते थे। पहला इन्होंने ओलंपिक में जो जीता था वो 10 मीटर एयर राइफल SH1 में गोल्ड मेडल जीता था और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन HS1 में जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इन्हीं में जो है यहाँ पे वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर एक यहाँ पे शूटर बन गई हैं आपकी अवनी लेखराज, जो वर्ल्ड पैरा एथलीट रैंकिंग जारी की गई है। अवनी लेखराज की बात की जाए तो पैरा ओलंपिक में इसके अलावा अवनी लेखराज पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने की पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं बात की जाए अवनी लेखराज के अचीवमेंट की तो इनको 2021 में जो है वो आपको खेल रत्न से नवाजा जा चुका है इन, और इसी जून 2022 इसी मंथ के शुरुआत में जून 2022 में इन्होंने जो आपकी पैराशूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था फ्रांस के सेटो रॉक्स में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल इवेंट में, और यहाँ पे इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था 250.6 के वर्ल्ड पॉइंट स्कोर करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। और इन्होंने जो पूरे पेरिस ओलंपिक होने हैं 2024 में जो आपके पेरिस में ओलंपिक होने हैं पैरा ओलंपिक वहां पे इन्होंने क्वालिफाई किया था। तो ये सारे पॉइंट्स हमको अवनी लेखराज के बारे में याद रखने हैं। तो ये ऑल अबाउट था
अवनी लेखरा के बारे में, जिन्होंने कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट रैंकिंग में यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हासिल की है दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरीज आपकी R2 MH R2 वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल SH1 और R2 वुमेन्स 50 मीटर एयर राइफल। थ्री पोजीशन SH1 में, यहाँ पे दोनों में जो है यहाँ की दुनिया की नंबर वन शूटर बन गई हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।